नमस्कार, मैं हूँ कविता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। चलिए जानते हैं क्या है दिन की 10 बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश का कहर, अब तक हो चुकी है 12 लोगों की मौत। मुलायम सिंह ने खाली किया सरकारी बंगला, पहुँचे VVIP गेस्ट हाउस। सिंगापुर में मंदिर के दर्शन करने के बाद मस्जिद पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज लौटेंगे भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ 14 जून को बेंगलुरु में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में रिद्धि शाह की जगह दिनेश कार्तिक को मिल सकती है जगह। दिल्ली के करोल बाग में 2 सप्ताह पहले हुए कत्ल का राज खुला एक टैटू ने, पुलिस ने किया 4,000 लोगों से पूछताछ। दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने किया है एक नर्स को गिरफ्तार। टॉप ओपनर्स में फिल्म वीरेली वेडिंग ने पहले दिन की अच्छी कमाई। NCL का कोयला उत्पादन बढ़ा 17%। उत्तराखंड के पौड़ी उत्तरकाशी में बादल फटने से हजारों लोग सड़क में रहने को मजबूर। कश्मीर में PDP विधायक के घर ग्रेनाइट फेंककर बनाया गया उन्हें निशाना। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। पल पल की खबर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ नवप्रभा लाइव से। मैं हूँ कविता श्रीवास्तव।